हेलो गाइज, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अर्श डेवलपर में। मेरा नाम है असद फारूकी। तो आज मैं एक और ताबा देने वाला हूं जो रूम रेडी हो चुका है। वो भी वो गिफ्ट वाला रूम था, वो मैंने गिफ्ट वाला रूम दिया है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूं। अभी वहां पे ताबा दे चुका हूं, तो उनसे बात करते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो हमसे रूम लिए हैं और कैसे वो उनको ताबा मिला है, कितना पेमेंट देने पे उनको ताबा मिला है। तो आइए चलते हैं, रूम दिखाते हैं और फिर उनसे बात करता हूँ कि क्या कैसे लिए हैं। तो आपको मालूम पड़ेगा इसमें जैसे बुकिंग है या कितने में ताबा लिया है, क्या कितने में रूम लिए हैं, वो सब मैं इसको आपको दिखाता हूं मैं। आइए, तो ये अभी लाइन से सब रूम बन रहे हैं हमारे, तो अभी इसमें काम बचा हुआ है, तो अभी मैंने जो रेडी किया है तो ये है वो रूम। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये रूम है। आंटी आइए, तो आप अंदर आइए, अंदर मैं दिखाता हूँ किस तरीके का ये रूम बना हुआ है। 1 RK का रूम है और यहाँ पे आप काम कर देख सकते हैं किस तरीके से पूरा काम हुआ है। और इनको मैं ताबा दे चुका हूँ, सामान अंदर दे चुका हूँ और इनको मैं बाटला भी गैस कनेक्शन पूरा करा के मैं दिया हूँ। तो इनसे बात करते हैं। तो आंटी आप कैसे यहाँ पे आप आए? मैं यूट्यूब में देख के आई हूँ और मुझे आपने सब फैसिलिटी दिया है, सिलेंडर वगैरह दिया है और रूम जितना भी मैं बोले आपने सब करके दिया है। अच्छा, तो आपको 1 लाख में 1,20,000 में आपने मुझे ताबा दिया है। मतलब आपके पास पेमेंट नहीं था तो भी आपने ताबा, आपके पास नहीं था। गाइस आप सुन सकते हैं कि इनके पास पेमेंट का प्रॉब्लम था। इन्होंने मुझसे बात किया, बोले भाई मेरे पास पेमेंट इतना हो पा रहा है, बाकी का मैं पेमेंट आपको बाद में दे दूंगी, चलेगा क्या? मैं बोला ठीक है, आप आ जाइए, रूम में रेडी कर ले रहा हूँ, आपको मैं पोजीशन दे दूंगा, आपके पास जैसे पेमेंट आएगा बाद में मुझे दे सकते हो आप, ठीक है? 11,000 से आपने बुकिंग कितने? नहीं, मैं 2,000 में बुकिंग किया था। 2,000 रुपए दे के भी बुकिंग करके 11,000 भी मैं दी नहीं, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे बहुत प्रॉब्लम था पैसे से। मैं भाई से कहे बोली कि मेरे पास पैसा कम है, तो 2,000 में भाई ने मुझे ताबा दिया, ये दिया। 2,000 में मैंने बुक किया रूम, लेकिन 11,000 का रूम बुक था, लेकिन भाई ने मुझे 2,000 में बुक करवाया। उसके बाद आपने कितना पेमेंट दिया फिर मुझे? उसका बाद में मैंने पहले 65 दिया, बाद में 15 दिन में 53 दिया। मतलब 60 देने के बाद आपको रूम में ताबा नहीं दिया था? आपको भरोसा था कि मैं आपको? नहीं, लेकिन मेरे को बहुत भरोसा था भाई पे कि वो मुझे रूम ताबा देंगे इतना कम पैसे से भी, और कम पैसे से मुझे भाई ने ताबा दिया है। तो आप जान सकते हैं कि मैंने इनको इनकी प्रॉब्लम देखते हुए भी, तो मैंने अगर पैसे नहीं है आपके पास, अगर कुछ प्रॉब्लम है कि भाई मेरे पास 1 लाख 1.5 लाख है, मेरे को ताबा मिल जाएगा तो मैं आपको ताबा दे सकता हूँ। बाकी का जो पेमेंट है आपका जैसा शेड्यूल बैठता है उस हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हो, आगे भी पेमेंट कर सकते हो। लेकिन इनको मैं क्या क्या करके दिया हूँ, ये जैसे हॉल है, हॉल में फुल लादी वगैरह करके पूरा कंप्लीट कलर वगैरह POP ये सब पूरा करके कर दिया हूं मैं। और अंदर आ जाइए, मैं अंदर दिखाता हूं, ये देख सकते हैं यहाँ पे किचन है। और आंटी एक मिनट आप आइए, तो ये बाटला आपको कैसा मिला? कनेक्शन करा के दिया हूँ ना मैं? आपने सब करवा के दिया है, ये कनेक्शन हुआ। आप आए तो कितने दिन में आपको कनेक्शन मिल गया? 5 दिन में मिला। मतलब 5 दिन में इनको कनेक्शन, मतलब रूम में पोजीशन दिया हूँ, उसके बाद यहाँ पे आए इनका जो है पूरा कनेक्शन में, ये मतलब ये अच्छी क्वालिटी का स्टील का एकदम मेटलिक, मतलब अच्छी क्वालिटी का, ये नहीं कि चालू कोई कंपनी का, ये अच्छी क्वालिटी का मैंने इनको कनेक्शन इनके नाम पे मैंने करा के दे दिया। और ऊपर टाकी भी लगा के दिया है। अंदर दिखा सकता हूँ बाथरूम में, तो बाथरूम में पूरा जो है इंग्लिश टॉयलेट इनको बिठा के दिया, इनको जो है ना इंग्लिश टॉयलेट में बैठा के दिया हूँ, इंग्लिश टॉयलेट इनको, मुझे इंग्लिश टॉयलेट, इंडियन टॉयलेट था, भाई ने मुझे इंग्लिश टॉयलेट बना के दिया। इन्होंने बोली मुझे इंग्लिश टॉयलेट, लेकिन मुझे सब कुछ दिया भाई ने, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं। और जैसे जान सकते हैं यहाँ पे मेरा जो फिटिंग रहेगा वो भी कंसील फिटिंग पूरा रहेगा, वायरिंग में पूरा कंसील फिटिंग है, प्लम्बिंग में पूरा फिटिंग है। और जैसे बात कर सकते हैं यहाँ पे वॉश बेसिन सिंक मिलेगा आपको बर्तन धुलने के लिए, और अलग से जैसे आपको लगाना है। तो आंटी ने मुझे बोला, आंटी ये आपने बोला तो मैं लगा दी। हाँ नहीं, आपने बोला मैंने बोला तब इन्हें आपने ही लगाया है, लगा के दिया। हाँ दिया आपने, मैंने ये सब मतलब करके देता हूँ। तो इसमें जैसे अभी आंटी मेरे ऑडियंस को बताइए कि आपने ये रूम कितने में खरीदा है, मतलब आपने कैश में लिया है? हाँ ठीक है, कितने में रूम खरीदा है आपने? 1,20,000। नहीं, टोटल अमाउंट कितने का आपका हुआ? 3,50,000।
350,000 में इन्होंने दो महीने, कितने महीने का टाइम लिया मुझसे? दो तीन महीने में, तीन महीने का इन्होंने टाइम लिया है। तीन महीने में इन्होंने 350,000 रुपए में घर खरीदी किया और इनके पास पैसे नहीं था तो मैं ताबा दे चुका हूँ, बाकी का पेमेंट ये मुझे आगे करने वाले हैं, ठीक है। और आप भी अगर लेना चाहते हैं, अगर आप भी लेना चाहते हैं तो मात्र 11,000 रुपए से आपको बुकिंग मिलने वाला है। बुकिंग अगर कम अमाउंट है तो भी चलेगा, और आपके पास अगर पैसे नहीं है, आपको पोजीशन लेना है, तो कंपनी आपको पूरा प्रोवाइड करके देगी। और इसमें आपको एमआई फैसिलिटी मिलता है। रूम की कीमत मैं बता देता हूँ, 1 आर के 4 लाख रुपए, कैश मिलेंगे तो 3.5 लाख है, और 1 BHK 5.5 लाख कैश में है, 6 लाख मिलेंगे तो एमआई पोजिशन एमआई फैसिलिटी में आपको मिलेगा, और 2 BHK जो आपको मिलेगा वो 7.5 लाख में मिलेगा, अगर कैश में लेते हैं तो 7 लाख रुपए में मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको मैं डिटेल दे सकता हूँ, और अगर ज्यादा जानकारी है तो स्क्रीन पर नंबर है, वहां पे भी आप कॉल कर सकते हैं, ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। और स्टेशन की बात करता हूँ तो यहाँ से स्टेशन मात्र आप स्टेशन तो आते जाते हैं ना? हाँ, स्टेशन 15 मिनट का ही चलने का ही है। आप पैदल जाते हैं या कोई गाड़ी से जाते हैं? नहीं, पैदल भी 15-20 मिनट लगते हैं। पैदल आप 15 मिनट में पहुंच जाते हैं? 15 मिनट में पहुंच जाते हैं। 15 मिनट में? हाँ। और तो आपको मार्केट वगैरह नियर रेस्ट में कहाँ मिलता है? खड़वली में नियर स्टेशन में, नियर स्टेशन मार्केट वगैरह है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, फैसिलिटी है, मुंबई आने जाने के लिए कोई नहीं, ट्रेन वगैरह सब है वहाँ पे नजदीक है, जैसे जान सकते हैं यहाँ पे हर चीज की फैसिलिटी। आंटी है, आंटी यहाँ पे खुद आके बता रहे, ये इन्होंने रूम लिया है, अभी नए आए हैं, मतलब 2-4-5 दिन हुआ है, अभी अभी आई हूँ, 1 वीक हो गया, 1 वीक मान लो इनको हुआ है। ये यहाँ पे रह के बता सकते हैं कि यहाँ पे कितना है, और पानी का तो आपको कुछ प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम नहीं, लाइट का पानी का कुछ प्रॉब्लम नहीं, लाइट और पानी सब चीज यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिलने वाला है यहाँ पे, और इसमें कोई चीज प्रॉब्लम आपको है तो वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो इस ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।